अब हम एक न्यू टॉपिक चालू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस, सिंबल देते हैं कैपिटल सी। ध्यान, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? द कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, पर यूनिट पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल। द कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल। यहाँ सिंपल अगर मटेरियल का वर्ड यूज ना करें तो भी चलेगा भाई। किसी भी मटेरियल में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की पर यूनिट पोटेंशियल, मतलब चार्ज यानी क्यू, पर यूनिट पोटेंशियल यानी वी, इसको नाम देते हैं कैपेसिटेंस सी। मतलब कोई भी मटेरियल के ऊपर जब हम चार्ज प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो यूनिट वोल्टेज पे कितना चार्ज गेन कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड्स डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। सेकेंड थिंग, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हमने वैक्यूम की परमिटिविटी पढ़ी हुई ना, वैसे कोई भी मीडियम उसकी परमिटिविटी, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट तो फॉर्मूला देख के बताओ, यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। या फिर एक और यूनिट होता है, इट्स कॉल्ड फैराडे, एफ बोलते हैं उसको। या रहेगा इतना। दूसरी बात, अगर मैं सिंपली बात करूं, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, सपोज करो एक स्फीयर है और उसका जो रेडियस है वो है आर, ठीक है? तो मुझे बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा? बोलो, स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ी, इट्स वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, याद है सबको? यस। तो फिर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस की हमने अभी फॉर्मूला पढ़ी, एक सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, वी की वैल्यू डाले के क्यू बाय आर, क्यू क्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा? C इक्वल्स टू आर अपॉन के। तो हमने पढ़ा हुआ है के इज इक्वल होता है 1/4 pi epsilon naught, ये वाली इसमें डाल देंगे तो C मिलेगा 1/4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon ऊपर चला जाएगा तो C क्या बन जाएगा? 4 pi epsilon naught। तो इस फॉर्मूला को नाम देते हैं स्फेरिकल कैपेसिटेंस। एक स्फीयर में कितना कैपेसिटेंस आ सकता है? तो C इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught r, जहाँ epsilon naught क्या है? आसपास की वैक्यूम की परमिटिविटी, जिसमें epsilon naught की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, 8.85 × 10⁻², कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो r है वो उस स्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट यहां तक?
नहीं सर। फटाफट लिख के मैसेज करो फास्ट।